गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी बच्चों को ऑफ क्लास सिक्स एंड आई वेलकम ऑल दिस सेशंस फॉर द क्लास सिक्स एंड आई विल टेक यू ए वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स टुडे। मैं आपको एक आज जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल एक जानवर के समाज का है। और ये स्टोरी की शुरुआत होती है ऐसे कि एक कुत्ता ऐसा सोचने लगता है कि अब मैं किसी मास्टर के अंडर में ही रहूँगा, क्योंकि पहले कुत्ता क्या होता था, खुद को ही मास्टर समझा करता था, मतलब खुद को ही मालिक समझा करता था। बोले नहीं, ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल भरा है, तो मैं अब इससे मैं ढूंढना शुरू करता हूँ, मुझे एक मास्टर की ज़रूरत है एंड आई विल बी द सर्वेंट ऑफ दैट मास्टर। तो इस क्रम में सबसे पहले वो एनिमल्स में उसको लगा कि जो वो मास्टर ही मेरा मास्टर होगा, जो सबसे स्ट्रांगेस्ट है, जिससे पूरा दुनिया उससे डरता हो, ठीक है। तो ये इसको जब ये समझ में आया तो उसको लगा कि पहले वो सबसे पहले पहुंचा वुल्फ के पास। वुल्फ मतलब होता है भेड़िया, हम लोग बोलते हैं। वुल्फ के पास पहुंचता है तो वुल्फ से जाकर बताता है कि साहब मुझे आप रख लो एज अ सर्वेंट एंड यू विल बी माई मास्टर। वुल्फ थोड़ा देर सोचा, फिर बात किया, फिर बोला मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर आप मेरे यहाँ सर्वेंट जैसा रहना चाहते हो आप रह सकते हो। और इस क्रम में वो दोनों साथ में रहने लगे। कुछ दिन के बाद दे आर मूविंग इन द जंगल, फॉरेस्ट में मूव कर रहे थे, अचानक एक जगह वुल्फ रुक जाता है, मतलब हेरिया रुक जाता है और कुछ स्मेल करता है, वो कुछ सूंघता है। वो सूंघने से उसको पता चलता है कहीं नियर में आसपास कहीं तो भी बियर है, मतलब भालू है कहीं। और वो बहुत तेज़ी से गहरे जंगल की तरफ भागता है, उसके साथ कुत्ता भी पीछे भागता है। बाद में कुत्ता उससे पूछता है कि आप इतना तेज़ी से भाग के क्यों आए, तो भेड़िया ने उसको बताया कि तुमको पता नहीं चला वहाँ पर भालू था, एंड आई स्मेल दैट बियर। तो कुत्ते ने पूछा आप क्या भालू से डरते हैं, तो बोला बेशक मैं डरता हूँ। तो बोले देन यू कैन नॉट बी द मास्टर ऑफ माइंड, आप मेरे मास्टर नहीं बन सकते, क्योंकि मैं ऐसा मास्टर को ढूंढ रहा हूँ जिससे पूरा दुनिया डरता हो और वो किसी से नहीं डरता, वो एक बिल्कुल नीडर हो। वुल्फ के वहाँ से निकलता है, बियर के पास पहुँचता है, बोले बियर से जाकर बोला कि मैं आपका सर्वेंट रहना चाहता हूँ, मैं आपको आज से मास्टर मानता हूँ, आप कृपया करके मुझे आप रख लीजिए। बियर बोला ऐसा क्यों, बोले कि मुझे महसूस हुआ कि आप सबसे स्ट्रांगेस्ट है दुनिया में, क्योंकि आपसे सब कोई डरता है। ये दोनों रहा साथ में। कुछ दिन रहने के बाद बियर एक दिन वो आपका इसके साथ कुत्ते के साथ ये गार्डन में घूम रहा था, दैट इज़ अ डीप इन द फॉरेस्ट, एक छोटा सा बगीचा जैसे में घूम रहा था वो। अचानक बियर को महसूस हुआ और वो स्मेल करने लगा और उसको पता चला कि आसपास कहीं तो भी टाइगर है, शेर हम लोग बोलते हैं ना, टाइगर है, हु इज़ द लायन ऑफ द जंगल। तो बोला कि, और बियर अचानक फिर तेज़ी से भागा, कुत्ता भी उसके पीछे पीछे भागा, और कुत्ता उससे बाद में पूछता है कि आप इतना तेज़ी से भाग क्यों आए, मास्टर से पूछा। तो मास्टर मतलब बियर ने उसको जवाब दिया कि मुझे पता चला कि आसपास कहीं तो भी लायन है, अ लायन इज़ द मास्टर ऑफ और द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वो राजा है जंगल का, और मैं डरता हूँ। बोले आप उससे डरते, बोले बिल्कुल डरता हूँ। और फिर क्या हुआ, वो कुत्ता बोला तो अब तो आप मास्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे मास्टर का तलाश कर रहा हूँ जिससे सब इंसान जानवर सब कोई डरे। अब वहाँ से वापस आ जाता है, अब उसको लगता है कि लायन इज द किंग ऑफ द जंगल और ये सबसे पावरफुल है और इससे सब कोई डरता है। तो इससे क्या होता है, आगे अब वो लायन के साथ रहने लगता है कुत्ता। बहुत अच्छी तरह दिन गुजर रहा था, काफ़ी दिन गुजरा, दोनों साथ साथ में रहते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, वो दोनों एक जगह घूम रहे थे तो अचानक लायन को कहीं से महसूस हुआ कि आसपास कोई तो भी इंसान है। लायन भी एकदम डीप फॉरेस्ट में अंदर छुपने का कोशिश किया और वहाँ जाकर कुत्ते ने पूछा कि लायन से कि आपको मैंने कभी इस तरह से डरते हुए नहीं देखा, आप इतना जो डर गए इसका वजह क्या है। तो लायन बोला तुमको पता नहीं चला यहाँ इंसान आए हुए, आई स्मेल दैट, मुझे उसकी भनक लग गई कि कहीं ना कहीं एक इंसान यहाँ पर आए हुए हैं
और इसलिए मैं भाग के आ गया। बोले क्या आप इंसान से डरते हैं? बोले बिल्कुल मैं डरता हूँ। डॉग बोला कि तब तो आप मेरे मास्टर नहीं हो सकते हैं, क्यों आप तो इंसान से डरते हैं। अल्टीमेटली मतलब लास्ट में ये स्टोरी में ये बताया जाता है कि इतने भटकने के बाद, इतने घूमने के बाद ये कुत्ता रियलाइज करता है कि सबसे जो ज़्यादा पावरफुल है इट इज़ द ह्यूमन बीइंग, और वो आकर वापस इंसान के पास आ जाता है और इंसान से बोलता है कि आप मेरा मास्टर हो, मैं आपका सर्वेंट हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। और ये माना जाता है कि तब से कुत्ता हमेशा बहुत वफादार होता है इंसान का, और वो साथ में ही रहते हैं और मास्टर को मतलब इंसान को वो मास्टर मानते हैं और इंसान भी उसको बहुत प्यार करते हैं और दे स्टे टुगेदर। ये टोटल जिस्ट है जिसलिए इस स्टोरी का नाम दिया गया है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर। उसने किस तरह से एक मास्टर को ढूंढ निकाला और इंसान उसका। दिस इज़ अ नटशेल ऑफ द स्टोरी। ये टोटल समरी ऑफ द स्टोरी है और इस स्टोरी को पढ़िएगा। इसमें इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज इन द वर्ड्स वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड डे एंड गुड बाय। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास विद द ग्रामर पोर्शंस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द टू स्टोरीज। सो एंड द नेक्स्ट 3 or 4 चैप्टर्स विल कवर इन द ग्रामर्स, राइट? See you in the next time. Bye.